नमस्कार, न्यूज मोबाइल के एडिटर्स रैप में आपका स्वागत है। जो आज उपचुनावों के नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि बीजेपी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ की जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है गोरखपुर, वहां से उनका कैंडिडेट शायद जीतेगा, पर वो हार गया है। और इसीलिए जो ऑपोजिशन है, खास तौर से सपा बसपा जो एक तरह से आर्च एनिमीज थे, उन लोगों ने साथ मिलकर जो इलेक्शन लड़ा उसका उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और मुझे लगता है कि आगे जो ऑपोजिशन यूनिटी है मोदी सरकार के खिलाफ, वो ज़्यादा इस बात से थोड़ा बुलंद होगी। हालांकि भाजपा में थोड़ा आत्ममंथन की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है कि जैसे कई ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि ये 2019 के लिए एक, जिसे कहते हैं कि एक संदेश कोई या संकेत कोई देता है कि लहर भाजपा के खिलाफ चल रही है। ज़्यादातर जो खास तौर से जो एमएलए के इलेक्शंस होते हैं वो लोकल कारण जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, तो योगी आदित्यनाथ जाहिर बात है उनको एक बात ये बिल्कुल निश्चित करनी पड़ेगी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूपी में एक ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया। और दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी को भी आगे की रणनीति अपनी मजबूत करनी पड़ेगी अगर उसको 2019 में इलेक्शन जीतना है। आगे कर्नाटक के जो इलेक्शन थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, पर अभी जाहिर बात है कि भाजपा के लिए एक सेटबैक है, और जो विरोधी दल हैं और ऑपोजिशन जो है उनको एक बल मिला है। खासतौर से कल जैसे सोनिया गांधी का एक डिनर भी जो था, डिनर डिप्लोमेसी उन्होंने की थी, उसमें 20 से ज़्यादा दल शामिल हुए, तो एक गुटबंदी जो है बीजेपी के खिलाफ बन रही है। और ये देखना है कि आगे इसका राजनीतिक आयाम क्या होगा। न्यूज़ मोबाइल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, आप हमसे बने रहें। और जितनी भी राजनीति के गलियारों से बड़ी स्टोरीज़ हैं, बड़े जो इनसाइड ट्रैक है, वो हम आपको लाते रहेंगे।